की शिकायत हमारे समक्ष जो है एक मीडिया पर्सन के द्वारा पहले सर्वप्रथम प्राप्त हुई थी। तत्क्रम में उस नंबर को हमने मांगा जिसने शिकायत किया था, उससे बात किया तो उनके द्वारा यह अवगत कराया गया। हमने कहा कि आप अप्लीकेशन दीजिए, जो भी होगी जांच के बाद उस पर आगे की बात तय की जाएगी। तो उन्होंने कहा हम अप्लीकेशन नहीं देंगे। उसके उपरांत फिर भी जो है हम लोग दूसरे मीटिंग जा करके वहाँ पर पूरे अभिलेखों की जाँच की, CCTV फुटेज की जाँच किया कि पाया तो कोई उनको बी आंसर बुक, उन जितने बच्चों की उन्होंने शिकायत किया है सभी ने बी आंसर बुक लिया हुआ है। खासकर अनुभव सिंह नाम का जो छात्र है उसने A+ तो 2B आंसर बुक लिया हुआ है और वहाँ पर बी आंसर बुक उपलब्ध है। इसलिए ये बात कहना कि बी आंसर बुक नहीं दी गई है वो सिद्ध नहीं होता है। उनके द्वारा 16 तारीख को ये कहा गया कि पेपर देर में दिया गया है, उस दिन की CCTV फुटेज को चेक किया गया तो उस दिन प्रश्न पत्र देर में बटा था, लेकिन कापी जो ली गई है वो 11:27 यानी उस कापियों में समय बाद में दिया गया है। इसलिए ये कहना कि 8:55 पर बटा है ये गलत है। सर वहाँ पर कुछ अभ्यापकों द्वारा धक्का मुक्की की गई है, ये संज्ञान में आया है और उन्होंने केंद्र व्यवस्थापक ने अपने साइंस से संबंधित थाना अध्यक्ष को लिखा हुआ है कि ये स्थिति उत्पन्न हुई है। परीक्षा के बाद कई गार्जियन वहाँ पर इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद वहाँ पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और बाह्य केंद्र व्यवस्थापक और जो केंद्र व्यवस्थापक है उनके साथ दुर्व्यवहार करने की बात आई है और उसके क्रम में उनको FIR जो है संबंधित थाने में उनके द्वारा दी गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये दबाव बनाने के उद्देश्य से इस घटना को पूरा क्रिएट किया गया है। नहीं, हमने CCTV फुटेज चेक किया है उनको जब उन्होंने बी आंसर बुक मांगा है, बी आंसर बुक उनको मिली है और बी आंसर बुक वहाँ थी, इसलिए ये बिल्कुल सिद्ध नहीं होता है कि उनको बी आंसर बुक नहीं दी गई है। अब क्योंकि घटना को प्रायोजित है तो उन्होंने दिया हुआ है तो उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय को हम लोग आख्या भी देंगे साक्ष्यों के साथ। नकल कराने का कोई तथ्य नहीं साबित हुआ है क्योंकि वहाँ पर सिटिंग मजिस्ट्रेट भी थे, उनका भी कहना है कि कोई दिक्कत नहीं हुई है और CCTV फुटेज भी चेक किए गए हैं और अगर कोई समय और साक्ष्य बताएगा तो उसके अनुसार हम लोग आगे। क्या ये जो घटना हुई है पूरी ये वहाँ पर दबाव बनाकर बच्चों को हेल्प कराने को लेकर किया गया क्या? जो घटनाक्रम है उससे तो यही स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा दबाव बना करके ये घटनाक्रम किया गया ताकि आगे के जो विषय हैं उनमें उनको सहायता मिल सके। अपने जिले की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द न्यूज़ इंडिया 24।